कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट, मुख्य आरोपी की जेल में जांच शुरू। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और 6 अन्य पर झूठ पकड़ने वाले परीक्षण शनिवार को शुरू हो गए। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति की ओर से सवालों के जवाब दिए जाते समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी और 6 अन्य का पॉलीग्राफ टेस्ट शनिवार को शुरू हो गया। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति की ओर से सवालों के जवाब दिए जाते समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट उस जेल में ही किया जाएगा जहां वह बंद है, जबकि पूर्व प्राचार्य संदीप घोष घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद 4 डॉक्टर और एक सिविल वॉलंटियर समेत 6 अन्य का पॉलीग्राफ टेस्ट एजेंसी के कार्यालय में किया जाएगा। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL से पॉलीग्राफ विशेषज्ञों का एक दल कोलकाता पहुंच गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि लोकल पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले को दबाने का प्रयास किया था और जब तक संघीय एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली तब तक अपराध स्थल से छेड़छाड़ की जा चुकी थी। हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल अदालत ने CBI को मुख्य आरोपी और पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के अलावा घटना से जुड़े 5 अन्य लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की भी अनुमति दी है। इन 5 लोगों में 4 डॉक्टर शामिल हैं जिन्होंने घटना वाले दिन मृतक डॉक्टर के साथ खाना खाया था और एक सिविल वॉलंटियर भी शामिल है। इस तरह मुख्य आरोपी समेत मामले में कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। उधर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली की ओर से दायर एक याचिका में पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता और अनैतिक आचरण का आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय ने CBI को मामले की जांच सौंप दी है क्योंकि वह पहले से ही अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की जांच भी कर रही है। अदालत ने CBI को जांच पर प्रगति रिपोर्ट 17 सितंबर को पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। आरोपी को 6 सितंबर तक CBI की निगरानी में भेजा। एक अलग घटनाक्रम में सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार को अर्जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनकी हिरासत 6 सितंबर 2024 तक CBI की निगरानी में रहेगी। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता के अर्जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सौंपने का आदेश दिया था। यह फैसला पश्चिम बंगाल में बढ़ते आंदोलन और विभिन्न विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। CISF कर्मियों की तैनाती से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रशिक्षु डॉक्टर 9 अगस्त को कोलकाता के अर्जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी।